एक प्रमुख प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में उठता है वह यह है कि क्या आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देखती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ में आत्मा, उसके कर्मों और मृत्यु के बाद के अनुभवों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन कुछ समय तक वह आसपास के वातावरण में रहती है। इस दौरान आत्मा अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देख सकती है और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा इस समय अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का विश्लेषण करती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब आत्मा अपने शरीर के जलाए जाने को देखती है तो यह एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। आत्मा को इस समय यह एहसास होता है कि भौतिक शरीर का अंत हो गया है और अब उसे अगले जीवन की यात्रा शुरू करनी है। इस प्रक्रिया में आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे लोकों की प्राप्ति होती है, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे नर्क में कष्ट सहना पड़ता है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार आत्मा को मृत्यु के बाद अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म, धार्मिकता और भगवान के प्रति भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए हमें धर्म, भक्ति और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देखती है और अपने कर्मों का विश्लेषण करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सके।